वेलकम बैक टू माई चैनल और हालांकि मैं ये बात जानती हूँ कि इस साल बहुत ज़्यादा रैंक्स में इन्फ्लेशन हुई है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है बट uh, मैं आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर बहुत ही एग्जैक्ट फिगर्स दी हुई थी तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक हूँ आप ही की तरह मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा रैंक्स में इन्फ्लेशन हुआ है सो so, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ तो सिक्स से सिक्स के बीच में दो में छह बच्चे थे और इस साल हजार बच्चे हैं सो so, आपके अंदर वो जो डर अब है स्पेशली ड्रॉपर्स के अंदर कि पता नहीं अब हमारा अगर हम ड्रॉप लेते हैं हमारे फाइव सेवेंटी मार्क्स हैं और हमें हम किसी ऐसी स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां पे कट ऑफ और ज्यादा हाई जाएगा तो अब पता नहीं अगले साल हम इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और जो अभी ट्वेल्थ में है बच्चे उनको लग रहा है कि मेरे फाइव आते थे तो मुझे लगता था कि हाँ चलो मैं इंप्रूव करके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा लेकिन अब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ मैं बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरा होगा या नहीं क्योंकि इस साल तो जैसे पहले हम बोलते थे कि छह के अबव अगर आपके नंबर छह सौ नंबर है आप एक सेफ जोन में हो लेकिन अगर अब बात की जाए तो ऐसा लग रहा है पता नहीं छह सौ नंबर पे भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं तो अब कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हम इतनी मेहनत करेंगे भी पर फिर भी अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा और ये एक सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है कि अगर इस साल पेपर इजी आया है तो हो सकता है अगले साल बहुत ज्यादा टफ आ जाए या इस साल पेपर आसान है अगले साल भी आसान आ जाए तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अब आपको अप्रोच करना चाहिए अपनी तैयारी को कैसे बढ़ाना चाहिए आगे जिससे कि अगर पेपर आसान भी आता है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ सो so, ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है सो अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरे फाइव आ रहे हैं फाइव आ रहे हैं और अब पता नहीं पेपर आसान आ गया तो क्या होगा मैं इतना ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तो देखो हमें क्या करना है अब हमें हमने पैटर्न देखा है पेपर का अगर हम बात करें दो और दो की तो पेपर क्या होता था टफ आता था फाइव सिक्सटी फाइव में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाता था लेकिन अब अगर रिसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसकी बात करें तो पेपर जब बनता है तो आप पेपर को एनालाइज करना आपको दिखेगा बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो हमें अपनी तैयारी में भी वो चेंज लाना पड़ेगा और तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी अब अगर बात की जाए अगर आप बोलो कि आप तो बोल रहे हो कि पेपर आसान आएगा तो वैसे तैयारी करो लेकिन मान लो पेपर टफ आ गया तो क्या होगा तो देखो ये चीज ना मैं कर सकती हूं, ना कोई भी और प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि कोई भी पेपर नहीं बनाने वाला हम लोग सिर्फ अपना कुछ कुछ एनालिसिस कर सकते हैं आपको बता सकते हैं कि हम कैसे रेडी रहें लेकिन ये कोई नहीं आपको बता सकता कि पेपर टफ आएगा इससे या इतना ही आसान आएगा इससे भी आसान आएगा तो हमें अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अब आप दो साल से पेपर देख रहे हो ठीक है दो का पेपर आपने देखा 2020 का आपने पेपर देखा लेकिन जब आप, आप तैयारी करते हो तो आपको एक चीज बहुत ध्यान अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको ईजी पेपर में ज़्यादा नंबर लाने की प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पेपर आसान आता है तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि होती हैं हमारी सिली मिस्टेक्स और कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत शांत रह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अब दो बच्चे मान लो एक बच्चा है ए एक बच्चा है बी दोनों को वो क्वेश्चन आता था दोनों को सॉल्व करना आता था लेकिन ए जो था उसने बहुत ही शांत रह के वो क्वेश्चन को पढ़ा पेपर वाले दिन और बहुत ही शांत दिमाग से उसको सॉल्व कर दिया बी ने क्या किया बी थोड़ा सा एक स्ट्रेस में आ गया या उसको एंगजाइटी हो गई तो उसने एक वर्ड नहीं रीड किया नॉट नहीं पढ़ा इनकरेक्ट नहीं पढ़ा और जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बी वाला स्टूडेंट था जो बी स्टूडेंट था उसको वो क्वेश्चन आता नहीं था तो अब हमें क्या करना है हमें अपने आप को रेडी रखना है कि अगर आसान पेपर भी आता है तो हम अपनी सिली मिस्टेक्स कम से कम कर पाए और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने हैं और वो पेपर जो आसान हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि टफ़ पेपर सॉल्व कर लेते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आसान पेपर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं सिली मिस्टेक कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि मेरे को अपना स्कोर इंप्रूव करना है और मैं चाहता हूँ कि आसान पेपर में जैसा नीट का पेपर है मैं सिली मिस्टेक कम से कम करके आऊँ तो आपको क्या करना है आपको अंडर द क्लॉक मतलब कि जैसे अब नीट में क्या होगा आपको तीन घंटे मिलेंगे थोड़ा स्ट्रेस भी होगा थोड़ा प्रेशर भी होगा तो आपको घर पे ये प्रैक्टिस करनी है कि आप उसी स्ट्रेस को बनाओ मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठ जाओ लेकिन आप उतने टाइम में तीन घंटे में बैठ के वैसा एन्वायरमेंट क्रिएट करो और उसके बाद आसान पेपर सॉल्व करो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो अगर आप बार बार ऐसे पेपर की प्रैक्टिस करोगे जो कि आसान है तो आपको एक चीज़ वहाँ पर आप नोटिस करोगे और वो होती है आपकी सिली मिस्टेक्स अब देखो सिली मिस्टेक्स को सबसे ज्यादा मिनिमाइज करने का तरीका और एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका यह है कि आप जितनी बार पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपनी सिली मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे तो मान लो आपने एक पेपर दिया दूसरा पेपर दिया तीसरा पेपर दिया तीन पेपर देने के बाद चार पेपर देने के बाद आपको एक पैटर्न दिखेगा अपनी सिली मिस्टेक्स का और जिस दिन आपने वो पैटर्न पकड़ लिया कि हाँ मैं यहीं पे गलती करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन में मैं बार बार गलती कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहा हूँ तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इंपॉसिबल है सिली मिस्टेक करना और आउट ऑफ नोवेयर हो जाती है ऐसा नहीं होता है हमेशा जो भी आप सिली मिस्टेक करते हो उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है जो आप देखना कभी भी तो हमें क्या करना है हमें वो सिली मिस्टेक्स करनी है अभी करनी है लेकिन नीट के पेपर में नहीं करनी हमें बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस करो सिली मिस्टेक करो और फिर ऐसा देख लो कि अच्छा ये मिस्टेक मैं बार बार कर रही हूं तो वहीं पे एनालाइज करके उसको खत्म कर दो ताकि आप पेपर में वो गलती ना करके आओ तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इजी पेपर्स भी प्रैक्टिस करना मैं ये नहीं बोल रही आप डिफिकल्ट पेपर्स या अच्छे लेवल के पेपर्स मत सॉल्व करो वो भी करो क्योंकि हमें हर तरीके से रेडी रहना है लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं लोगों को लगता है कि बहुत टफ पेपर अगर मैंने कर लिया तो हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन नीट में जब आसान पेपर आ जाता है तो वो हम देख के बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वहीं पे गलती कर देते हैं तो अब क्योंकि हमें पता है कि पैटर्न ऐसा ही आ रहा है पेपर का तो हमें इजी पेपर के लिए भी उतना ही तैयार रहना पड़ेगा ताकि हम सिली मिस्टेक ना करके आए और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अब हमें अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है जैसे कि आपने देखा कि बायो में बहुत एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी भी उसी लेवल की करनी है हमें बेसिक्स को ही क्लियर करना है एनसीईआरटी सी बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि देखो हाई लेवल क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नुकसान होगा लेकिन ईजी क्वेश्चन की भी उतनी ही प्रैक्टिस और बेसिक्स का भी उतना ही ग्रिप होना चाहिए आपके पास तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने और बेसिक्स को ही स्ट्रांग बनाना है क्योंकि अब अगर आप पैटर्न को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एनसीआरटी बेस्ड बहुत ज्यादा आने लग गया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हमें गलती नहीं करनी है बहुत 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 सारे बच्चे करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझ जाते हैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट बुक्स करते हैं जय एडवांस की बुक्स कर रहे हैं बहुत डिफिकल्ट बुक्स कर रहे हैं लेकिन उस चक्कर में क्या करते हैं जो ईजी क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक बुक्स हैं वो नहीं करते हैं तो वो गलती मत करना क्योंकि अब आपने देख लिया है कि नीट का पैटर्न कैसा है तो बेसिक्स को उतना ही ग्रिप में रखो बहुत स्ट्रांग रखो और ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन जब दूंगा जब मैं ट्वेल्थ में हूँ या मैं ड्रॉपर हूँ पता नहीं मैं सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं क्योंकि मेरा तो स्कोर अभी फाइव एटी आ रहा है फाइव सेवेंटी आ रहा है लेकिन अगर बहुत अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो सिक्स हंड्रेड से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे चाहिए मार्क्स तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं तो एक बात समझो अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप मैं आपको कहती हूं अगर आपके 200 नंबर भी आ रहे हैं ना अभी नंबर भी आ रहे हैं ना तो भी आप खींच के छे सौ प्लस ले जा सकते हो लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फाइव फिफ्टी आ रहे हैं फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट है कि पता नहीं अब इस साल सिलेक्शन हो गया नहीं तो अपने ऊपर ट्रस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ये प्लान करो राधर देन बींग स्ट्रस्ट राधर देन बींग स्केयर्ड प्लान करो कि इस सिचुएशन को अगर मान लो बहुत आसान पेपर आ जाता है तो मैं कैसे टैकल कर पाऊंगा या आपको लगता है मैं रिविजन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूं तो मैं रिविजन को कैसे कर सकता हूं बेटर तो उस चीज पर दिमाग लगाओ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आंखें बंद करके बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं मैं मानती हूं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है लेकिन उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ब्लाइंडली ना पढ़ें मतलब ऐसे ना पढ़ें कि बस पढ़े जा रहे हैं कुछ पता नहीं है कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक एक चीज को समझें और ये देखें कि हम कहां पे अपना हमारा इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां पर है कहां पर हमारी वीकनेस है और उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई करो कि मेरी मेरी पढ़ाई में अगर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं कहां पे मेरे से गलती हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढो मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक के लिए वीडियो बनाई हुई है आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी चाहे बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है फिजिकल कैसे पढ़नी है इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है फिजिक्स कैसे पढ़नी है, सब पे मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है तो वो आप जाकर चेक कर सकते हो मैं नहीं चाहती मुझे नहीं लगता कि इसे बार बार मुझे रिपीट करनी है चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊँ और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दे पाऊँ सो आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे जो भी आपके आपको लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से मेहनत करो कॉन्फिडेंस अभी नहीं छोड़ना अभी है आपके पास टाइम ठीक है ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते गलतियां अगर हो भी गई हैं मान लो अभी तक आप कल तक नहीं पढ़ रहे थे लेकिन अब आप आज से पढ़ना शुरू करने वाले हो तो अगर आज से भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और दिमाग चलाना शुरू करो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़, पढ़ने में दिमाग लगाना है पढ़ना कैसे है उसमें भी दिमाग लगाओ ठीक है सो मेहनत करते रहो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट